दोस्तों अगर आप कहीं भी नौकरी कर रहे हो, अगर 10-15-20 हजार की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी के साथ पर टाइम बिजनेस करें। और बनाना क्या है, ये रहा चप्पल। अगर आप चप्पल बनाने के बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, तो अगर आपको मशीन खरीदनी है तो सुविधा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया को टाइप कीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर दिया गया, वहां पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से मशीन खरीदना है तो सबसे सस्ती मशीन सिर्फ आपको यही मिलेगा। अगर आपको इस बात में अगर कोई डाउट है तो इंडिया मार्ट जस्ट डायल कहीं भी जाकर के आप पता कर सकते हैं कि चप्पल बनाने की मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, वो भी मैनुअल नहीं, हाइड्रोलिक मशीन कितने रुपए की है, आपको पूरी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा। सबसे सस्ती मशीन आपको यही में मिलेगा। ये देखो दोस्त, ये जो मशीन है हमने ये पहले सीन लिया है, सीन लेने के बाद अब हमने जो मशीन में डाल दिया, कुछ नहीं सिर्फ एक कंपनी के चार पेजों ने इसको चप्पल को हम काट दिए। ये देखो, ये पहले तो हमने इस मशीन से चप्पल काट लिया, देखो कटिंग हो गई है एक पैर का, मतलब ये हो गया है एक राइट पैर का, जिसे कहते हैं सीधे पैर, इस पैर का ये कटिंग हो गया। अब हम काट रहे हैं लेफ्ट पैर वाली। देखो ये तो पहले तो हमने ये वाला काटा था, अब दूसरी बार ये काटा। अब हमारा एक पैर देखो कितने सेकेंड में, माल खाद के लगा लो तो मुश्किल से आप ये मान के चलो 4 सेकेंड में तो एक पैर का कटिंग हो गया है। अब एक पैर कटिंग करना, अब इसमें बद्दी लगाना है, बद्दी लगाने में भी मान के चलो 3 से 4 सेकेंड, मुश्किल से मान के चलो 20 सेकेंड में आपका ये चप्पल बन करके रेडी हो जाता है। अगर रिटेल में अगर आप बेचते हो, अगर किसी डायरेक्ट कहीं अपना स्टोर लगा करके, तो यही चीज में आपका प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20 रुपए मिलेगा। ये जो चप्पल बनाने की जो इसकी जो रॉ मटेरियल आप खरीदना चाहते हो, तो ये आपको जो है ना 400 रुपए से सीट की प्राइस स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है ना 800 से 900 रुपए तक इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और इस मशीन से आप 300 रुपए से लेकर के और आप 500 रुपए तक का चप्पल आप बना के बना सकते हो। मार्केट में डिमांड आता है, उसी हिसाब से आप इसको आप बना करके आप सप्लाई कर। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी छोड़कर ही बिजनेस कर रहे हो, नौकरी करते रहो, साथ में है आप ये चप्पल बनाने का, पेपर प्लेट बनाने का, पैकिंग का बिजनेस आप कर सकते हो। और करना कैसे है, ये मशीन आप खरीदिए और घर में आपकी जो फैमिली सदस्य में कोई एक व्यक्ति अगर जो बेरोजगार है, तो सबसे पहले उनको रोजगार दीजिए। 100 जोड़ी चप्पल बना कर अगर बेच भी देते हो तो ध्यान रखना, अगर 10 रुपए मार्जिन हुआ तो 100 जोड़ी पे आपको 1000 रुपए का काम करते हैं। आप घर पे ही लगा करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा करके आप अपने घर परिवार को जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे सकते हो। आपको क्या करना है, ये मशीन खरीदनी है, इस तरीके से कटर खरीदनी है, और ये जो है इस तरीके से सीटें खरीदनी है। अगर ये इस तरह से डाई और इसकी फिनिशिंग करने के लिए जो चप्पलों के लिए अगर आप खरीदते हो, वो आपकी जो है 3500 रुपए का आएगा। कटर जो ये इस तरह से जो कटर है वो आपका करीब 2000 रुपए का आएगा। ठीक है, जोड़ना 25,000, 3500 और 2000 कितना हो गया 30,500, बाकी आ गया कितना मेटेरियल। मेटेरियल जो है आपका, आप 5,000 का भी खरीद सकते हो, आप 10,000 का भी खरीद सकते हो, आप 20,000 का खरीद सकते हो, 50,000 का भी खरीद सकते हो, जितना आपके पास बजट है। अगर कम बजट है तो आप ये ध्यान रखें कि 25,000 की मशीन हो गया, 10,000 के मटेरियल हो गया और 10,000 की डाई हो गया, टोटल कितना हो गया 45,000 में आपका अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मटेरियल भी आ गया, डाई भी आ गया, सारा हो गया। फिर करके इसको बनाइए, बना करके बेचने का 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप बनाइए, होलसेलर के पास जाइए। दूसरा तरीका है कि आप अपने कहीं स्टोर जाइए, जैसे मान लो बस स्टैंड है या रेलवे स्टेशन है, कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया में, वहां पे एक स्टोर लगाइए। स्टोर लगा करके वहां पे रिटेल शॉप पे रिटेल बेचिए, कि जैसे आपकी जो कर कॉस्टिंग है 30 रुपए आगे चप्पल बनाने के लिए, तो आप उसको जो है 45 का बेचो, 50 का बेचो, और बिक भी रहा। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं बिक रहा, मार्केट में बिक रहा है। अगर 25 का जो बन रहा है 30 का, वो मार्केट में 40 का 50 का बेच रहे हैं, और आप देखते हो कि आपके घर के आसपास जो है रेडी वाले पे, रेडी पे आपको चप्पलें बेचने के लिए आते हैं, वो पता चप्पल कितने की बनता है, 35 रुपए का, 40 रुपए का, 25, ये लगा लो कि 30 से लेकर के 40 के नीचे नीचे बनता है, वो आपको मार्केट में 40 रुपए का लोग रेडी वाला खरीद के लेके जाता है, और वो 50 रुपए में। अभी सोचो कि एक रेडी वाला अगर मान लो अगर आपको 50 रुपए की चप्पल लेके काम कर रहे हैं, तो रेडी पे बेच करके भी वो इतना पैसा कमा लेते हैं कि जितना आप नौकरी में भी नहीं कमा रहे हो। आप सिर्फ आप बार्गेनिंग करते हो कि ये काम ठीक नहीं है, काम खराब है, ये रेडी पे जा रहा, अरे भैया उसकी अर्निंग तो देख लो,
आप 25-30 हजार में नौकरी करने के लिए आप जब दूर प्रदेश कहीं जाते हैं, ऐसा चीज है कि स्टार्टिंग में आपको 1-2 महीने, 3 महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने कोई भी आपके खाली वो भी आराम से सिर्फ बना करके काट करके आपको तैयार करके देते हैं। सीट है, ये सीट है, अभी हमने 2 पैर काटा है, ये सीट अब हमने क्या करा है, ये हमारा कटर है, ठीक है, ये हमारा कटर है। अब हमने क्या करा, ये जो है मशीन की इसकी जो अलाइनमेंट है ना, ये इसके बीचों बीच हमें रखना है। और ये वाली जो देखो, ये वाली जो हैंड लीवर थी इसको अब ये रहा कटिंग हो गया, ये रहा, ये देखो जी भैया आपका ये चप्पल कटिंग हो गया। अभी हमने जो है राइट लेफ्ट पैर की काटा है, अब लेफ्ट पैर के काट के दिखाऊंगा। लेफ्ट पैर कटता कहते हैं इसी कटर से तो मैंने तो लेफ्ट काटा है, अब मैं आपको राइट काट करके दिखाऊंगा। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सीटें पलटनी है। अभी तो मैं तो इस तरह से काटा था, ऐसे ये सीधी जो सीधी डिजाइन है, सीधी कम में काटा था, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पैर का काटना है तो मैं इस सीट को पलटूंगा। ये सीट पलट दिया और ये हमने यहाँ पे रख दिया, ये देखो करना कुछ नहीं, फिर उसी तरह को ये देखो जी कटिंग हो गया। कोई समय लगा है कि आप नहीं कर सकते हैं, आपसे भी होगा, आपके घर में जो बच्चे वो भी करेगा, ठीक है। ये देखो ये वाला हमारा ये निकल गया। पहले तो मैंने ये काटा था अपना जो है लेफ्ट वाली, अब ये कट गया राइट वाली। अभी आप क्या करें, एक ही कटर से हमने दोनों कटिंग किया, करना कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ हमने सीट को अल्टी पल्टी किया है। अगर आप चाहोगे कि अगर मान लो इसके सीजन है, जैसे अभी जैसे सर्दी का महीना, अभी चप्पल की क्या होगा डिमांड थोड़ा सा कम आएगा, क्यों, लोग जूता ज्यादा पहनेंगे। जैसे इस समय क्या है कि आपको स्टॉक करना, जैसे इसकी मंदा आएगा, अगर ऑफ सीजन आएगा तो आप माल बना करके चप्पल बना के स्टॉक कीजिए। जैसे आप जैसे मान लो अगर चप्पल की सीजन आ रहा है तो चप्पल बना लो आप, अगर पेपर प्लेट की सीजन आ रहा है, पेपर प्लेट का शादी का है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई त्योहार आ रहा है, तो आप इस तरह से दोना वगैरह बना के सप्लाई करिए। एक बार में 4-4 दोना 4-4 प्लेटें एक साथ बनेगा,